हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आप कर रहे हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो बच्चों, पहले हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हम यहाँ पे सीख चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं उसके आधार पे, और फिर नया टॉपिक करके उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों रेखा एवं कोण। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थॉट फॉर द डे है, ये आप कर चुके हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, अब कौन से लाइंस एंड एंगल्स है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अलग अलग जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं वो लाइंस हो गई, और ये देखिए फाइनली जो एंगल बन रहा है ये एंगल। इस तरह से आप इनके बारे में, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में आपको डिटेल में बताया गया है कि क्या होती हैं लाइंस और क्या होते हैं, किस तरह से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जो ये लाइन है देखिए, ये देख पा रहे हैं कि अलग अलग टाइप की लाइन है, इनकी डेफिनेशन यहाँ आपको दी हुई है और आपको इनकी शेप दी हुई है। तो बच्चों उम्मीद है ये सब आपको याद होगा। जैसे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड क्या होती है, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। इसी तरह बच्चों लाइन क्या होती है, जो दोनों दिशाओं में एंडलेसली चली जाती है। रे क्या होती है, एक एंड पॉइंट होता है और एक दिशा में वो एंडलेसली चली जाती है। इस तरह से बच्चों लाइंस के बारे में हमने सीखा। अब एंगल्स, अलग अलग प्रकार के एंगल्स आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो एक्यूट एंगल है उसके बारे में आपने पढ़ा। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। फिर आता है बच्चों एक्यूट के बाद ऑब्ट्यूस राइट एंगल। ये जो एंगल होता है इसको समकोण बोलते हैं, और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। फिर आता है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। इसके बाद बच्चों स्ट्रेट एंगल आता है। स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल है जो कि 180 डिग्री का कोण बनाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा होता है जो 180 से तो बड़ा कोण बनाता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा कोण बनाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। फिर कंप्लीट एंगल आता है बच्चों। कंप्लीट एंगल में क्या होता है, दोनों रे एक दूसरे के ऊपर आती हैं और ये बनाता, देखिए एक ये रे हो गई, फिर उसके बाद इसके ऊपर दूसरी रे आ गई। क्यों? क्योंकि ये पूरा घूम के 360 डिग्री इसने कंप्लीट कर लिया है एक सर्कल। तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट एंगल, क्योंकि 360 डिग्री का कोण ये बनाता है। फिर रिलेटेड एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। तो रिलेटेड एंगल्स में सबसे पहले आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण इनको हिंदी में बोलते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या होते हैं। डायग्राम की मदद से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। एक एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री का, ठीक है, फिर एक एंगल है 60 डिग्री का। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों कोणों को, तो इनका योग कितना आना चाहिए बच्चों, इनका सम आना चाहिए 90 डिग्री। कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ये देखिए ये 90 डिग्री इनका सम आना चाहिए। तो 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 होता है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण हो गए। अब आते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी समपूरक कोण बोलते हैं इनको। समपूरक कोण क्या होता है ये भी आपको डायग्राम की मदद से समझाया जाएगा। देखिए दो एंगल्स हैं, तो यहाँ पे एक एंगल 70 डिग्री का मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं 110 डिग्री का। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा, 180 आएगा। तो जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों ये आपका रिवीजन था, यहां तक हमने किया है, इसके आधार पे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब बच्चों एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं देखिए, एडजेसेंट एंगल्स के पहले आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान है तो आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों। तो एडजेसेंट एंगल्स देखिए,
ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों एडजेसेंट एंगल्स की। इसको बच्चों आसन कोण बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आसन कोण हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, आसन कोण हम बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब आसन कोण। क्या होता है आसन कोण, देखिए इसकी आपको कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेंगी। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, देखिए जो ये आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो इनका क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है। जहां पे आपकी ये रे मिलती हैं इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड इनका कॉमन आर्म, एक कॉमन भुजा होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कॉमन भुजा है, दो कोण है। इनको अगर हम नाम देते हैं ए बी सी और ये हो गया ओ, तो ए ओ बी एक कोण हो गया और एक कोण हो गया बी ओ सी, ठीक है। यहाँ पे दो कोण हो गए एंगल ए ओ बी, ठीक है, और दूसरा हो गया बी ओ सी, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण है, क्योंकि इन दोनों में देखिए इनका जो वर्टेक्स है वो सेम है, एक ही वर्टेक्स है। दूसरा इनका जो आम है, कॉमन आम है, वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। एक एक भुजा दोनों में, दोनों एंगल्स में कॉमन है। ओ बी जो है वो दोनों एंगल्स में कॉमन है, ए ओ बी में भी आता है, बी ओ सी में भी आता है बच्चों, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो कॉमन के भुजा के क्या होंगी, दोनों अलग अलग साइड होंगी। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो बच्चों आप बोल सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल हैं, आसन कोण हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लगता है कि कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में आपको काफी चीजें पता लग गई हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यहाँ पे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आकृति बनाऊंगा मैं आपके लिए, उस आकृति की हेल्प से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो एक फिगर मैं आपके लिए बना देता हूं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर आपके सामने है और ये अलग अलग एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। इनको हम मार्क कर देते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम मार्क कर सकते हैं। ये हो गया ए, ठीक है। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट वाला, इसको हम बी नाम दे देते हैं। फिर ये हो गया सी और ये है डी और इसको बोल देते हैं ई। और यहाँ पे बच्चों ये जो है इसको ओ हम बोल सकते हैं। अब जो एंगल्स हैं इनकी नेमिंग कर देते हैं, ये एंगल वन हो गया, ये एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर एंड एंगल फाइव, ये पांच एंगल्स हैं बच्चों। तो ये एक आकृति है जिसकी मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप लिखिए,
तो बच्चों पहला पार्ट है इसका कि देखिए आपको नंबरिंग दिख रही है, तो क्या एंगल वन एंगल दो का आसन है या नहीं है, मतलब क्या एंगल वन एंगल टू का एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, ये आपको बताना है। इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, इनको आपको हल करना है। इसको देखिए फर्स्ट पार्ट को ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, बताइए क्या इसका आंसर यस होगा या नो होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक एंगल है आपके सामने एओसी और दूसरा एंगल है एओई। ये दो एंगल देख पा रहे हैं एओसी एंड एओई, तो आपको बताना है क्या एओसी एओई का आसन है, ये बताना है आपको। फिर थर्ड पार्ट इसका जो होगा वो देखिए, यहां पे आपको बोला गया है क्या एंगल सीओई सीओई एम एंगल ईओडी सीओई एंड एंगल ईओडी रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो एक ये है बच्चों क्वेश्चन, ये तीन पार्ट हैं, इनको आप पहले हल कीजिए। तो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं इस डायग्राम को लेके, तो इनके आंसर आपको बताने हैं बच्चों। जल्दी से अपने आंसर निकालिए और चैट के माध्यम से अपने आंसर सेंड कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स कर लिया आपने सॉल्व। बच्चों जिस जिसका अगर कोई डाउट है, किसी बच्चे का कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस को लेके, तो आप अभी के अभी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। नहीं तो क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, अगर आपने कर लिए हैं सॉल्व तो बच्चों चैट के माध्यम से आंसर भेज दें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं क्या बोला गया है कि क्या एंगल वन एंगल टू का आसन है। मतलब देखिए दो एंगल्स देखते हैं, दोनों एंगल कौन से हैं, एक तो एंगल वन ये है, एंगल टू ये है, इन दोनों को चेक करते हैं कि ये एडजेसेंट हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कि एडजेसेंट एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो मतलब ये आसन कोण है, नहीं तो नहीं है। तो पहली कंडीशन है कि इन दोनों जो एंगल है, एंगल वन और टू के जो भी वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए, इनका शीर्ष जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो मुझे तो दिख रहा है कि इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, मतलब पहली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, कंडीशन एक सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि इन दोनों एंगल का एक आर्म एक भुजा क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इनकी एक भुजा भी कॉमन है ना, तो कंडीशन जो दूसरी है वो भी फुलफिल हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि बाकी जो दो भुजा बचती हैं वो जो कॉमन आर्म है उसके एक एक तरफ होनी चाहिए, तो तीसरी कंडीशन भी देखिए आपकी फुलफिल हो जाती है। तो इसको बोलेंगे यस, हाँ ये एक क्या है, आसन कोण है, एंगल एक दो का आसन है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप चेक करेंगे कि कंडीशन आप देखेंगे कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, और अगर फुलफिल हो रही है तो आप बोलेंगे ये एडजेसेंट एंगल है, नहीं तो आप लिखेंगे नो, ठीक है। तो पहले का आंसर तो यस होगा, हाँ होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाँ लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, क्या एंगल एओसी एंगल एओई का आसन है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट था उसी तरह से सेकंड पार्ट करना है, अब तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो ये आप जल्दी से सेकंड पार्ट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, तब तक क्या एंगल सीओई एवं एंगल ईओडी रैखिक युग्म बनाते हैं। तो बच्चों रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर, इसके लिए सबसे पहले हमें लीनियर पेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पार्ट टू हम करेंगे पहले, जल्दी से जैसे पार्ट वन किया है हमने उसी तरह से आप पार्ट टू करिए बच्चों।
तो स्टूडेंट्स किस किस ने कर लिया सॉल्व? तो बच्चों जिसने भी सॉल्व कर लिया है चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज दें। अब देखिए जैसे हमने पार्ट वन किया था उसी तरह से पार्ट टू देखेंगे कि भाई इनको एडजेसेंट है या नहीं ये आपको बताना है। तो एंगल ए ओ सी देखते हैं कौन सा है। एंगल ए ओ सी तो यही है एंगल वन, है ना, एंगल ए ओ सी एंगल वन हो गया। और दूसरा क्या बोला गया है, एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई जो है एंगल वन और टू को अगर ऐड करते हैं, एंगल वन और टू को ऐड करते हैं तो बनता है मिलके एंगल ए ओ ई। तो ये आपको चेक करने हैं कि एंगल ए ओ सी और ए ओ ई एडजेसेंट है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम वही टेक्निक अपनाएंगे, पहले देखेंगे कि इनका जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है या नहीं। तो पहली वाली कंडीशन क्या है, इनका वर्टेक्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो एंगल AOC और एंगल AOE का वर्टेक्स तो सेम है। दूसरी जो कंडीशन है इसकी वो क्या है, इनका जो आर्म है, इनकी जो भुजा है वो क्या होनी चाहिए, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। तो देखते हैं एंगल AOC और एंगल AOE, तो इसमें AO जो भुजा है वो कॉमन है ना, AO जो भुजा है वो कॉमन है। चलिए दूसरा भी फुलफिल हो गया, लेकिन तीसरा क्या बोला गया है, जो कॉमन भुजा है उसके एक एक तरफ होनी चाहिए बाकी भुजाएं, लेकिन यहां तो तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, AO के एक ही तरफ हैं दोनों भुजाएं, इसीलिए ये नहीं होंगे, नो बोल सकते हैं आप कि ये आसन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कीजिए, कोई आपको डाउट है इसमें पूछ सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे बच्चों रैखिक युग्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स अभी हमने एडजेसेंट एंगल्स के कुछ क्वेश्चन किए हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब बच्चों हम करेंगे लीनियर पेयर जो एंगल्स के होते हैं वो। ठीक है, लीनियर एंगल्स क्या होते हैं, तो लीनियर पेयर क्या होता है, इसको रैखिक युग्म हम बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल सबको पता लग गया, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, तो एडजेसेंट एंगल ही होते हैं ये लीनियर पेयर भी, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है मैं आपके लिए यहां पे बना देता हूं, क्या ये, पहले मुझे बताइए ये जो मैंने एंगल बनाए हैं क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इनकी अगर नेमिंग हम देखें, ए बी सी एंड ओ, तो ये देखिए क्या ये एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। प्रॉपर्टी देखेंगे, इनका एक कॉमन क्या है, वर्टेक्स है, उसके बाद दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है, दोनों एंगल्स के बीच में, ए ओ बी एंड बी ओ सी के बीच में, प्लस जो भी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के एक एक तरफ हैं। तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक, आसन कोण है बच्चों। आसन कोण है ये, लेकिन ये एक लीनियर पेयर भी है। लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल एओबी एओबी प्लस एंगल बीओसी बीओसी जो है ये 180 डिग्री हो रहा है। मतलब दो एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री हो, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर बच्चों। दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं संपूरक कोण। इसी तरह बच्चों अगर दो आसन कोण, ठीक है ये चीज ध्यान रखना कि आसन कोण का
अगर सम 180 डिग्री होता है तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। मतलब जो लीनियर पेयर होता है वो एडजेसेंट एंगल आसन कोण तो होगा, ऑब्वियसली ये होगा, ये चीज तो पक्का है, लेकिन उसके साथ एक चीज और है कि भाई इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, दोनों एंगल्स का सम। मतलब ये एंगल 1 मान ले और ये 2 मान ले तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये लीनियर पेयर कहलाएगा। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहां तक आप। तो स्टूडेंट्स यहां पे सबने नोट डाउन कर लिया है आपने। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, क्या सीओई। अब देखिए एंगल सीओई देखेंगे, ठीक है, ये थर्ड पार्ट के लिए है बच्चों। एंगल सीओई कौन सा है वो देखेंगे, तो सीओ और ई ये एंगल हो गया एंगल टू, है ना, सीओई एंगल टू हो गया। और दूसरा क्या बोला गया है, एंगल ईओडी। ईओडी कौन सा है बच्चों, देखिए ईओडी 3+4 हो गया ईओडी, ये एंगल हो गया ईओडी। तो ये बोला गया है आपसे क्या, एंगल सीओई और एंगल ईओडी रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यहां पे दो एंगल हो गए, कौन से, एक तो हो गया एंगल 2 और दूसरा एंगल हो गया 3+4, ठीक है, ये दो एंगल हो गए, ठीक है, एक तो ये एंगल एक ये एंगल, क्या ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल बने हुए हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3+4 ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये है एंगल सीओई प्लस एंगल ईओडी, कितना होना चाहिए, ये 180 डिग्री होना चाहिए। और ये एडजेसेंट तो है ही, आप देख सकते हैं ये एडजेसेंट एंगल आसन तो हैं और साथ में ये दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं ऐड करके। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि हाँ ये रैखिक युग्म बनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, आपको पता लग गया होगा कि लीनियर पेयर क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उनके बेस पे क्वेश्चन किए हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करते रहना। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।